5 अप्रैल 1993 की वो रात थी जब खबर आई कि 19 साल की दिव्या भारती इस दुनिया में नहीं रही। दीवाना, शोला और शबनम रंग समेत सुपरहिट फिल्में देने के बाद चारों ओर चर्चा थी कि वह श्रीदेवी के बाद अगली सुपरस्टार है। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके सक्सेस की गाड़ी आगे बढ़ती उससे पहले ही अभिनेत्री इस दुनिया को अलविदा कह गई। दिव्या भारती की मौत पर बहुत चर्चा हुई। हो भी क्यों ना, अपकमिंग सुपरस्टार का यूं गुजर जाना हर किसी के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि यह सुसाइड है तो कुछ ने कहा कि यह हत्या है। हालांकि पिता ने बयान दिया था कि शराब पीने की वजह से दिव्या अपने बैलेंस खो बैठी थी और बालकनी से गिरकर उनकी मौत हो गई। अब सालों बाद दिव्या के कोस्टार ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। दिव्या भारती के कोस्टार रहे कमल सदाना ने एक हालिया इंटरव्यू में बताया कि एक्ट्रेस कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती थी। वह बहुत चुलबुली और जिंदादिल स्वभाव की थी, ऐसे में वह सुसाइड करने का सोच भी नहीं सकती थी। सिद्धार्थ कनन के साथ बातचीत में एक्टर ने कहा, यह बहुत मुश्किल था, यह बहुत दुख की बात थी। वह बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस थी और उनके साथ काम करना सौभाग्य की बात थी।